नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर एक बार फिर से भारी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई और राज्य भी शामिल है जिनमें बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई गई है और जिनके कारण एक बार फिर से आज देश भर में आंधी तूफान के बीच स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको भी लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को भी सतर्क रहने को कह दिया है। तो दोस्तों, एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, कहाँ पर बारिश होने वाली है और कहाँ पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम, जहाँ पर आप रहते हैं, कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 48 घंटों के दौरान सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह सहित कोंकण और गोवा सहित तटीय आंध्र प्रदेश में एक या दो हिस्सों में जो है आज हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप और पश्चिमी हिमालय में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिम में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और पूरी उत्तर प्रदेश के एक या दो हिस्सों में लू की स्थिति होने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं दोस्तों, बात करें कि देश भर का मौसमी सिस्टम कैसा बन रहा है, तो मौसम विभाग ने बताया है कि गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के शेष हिस्सों में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आज शाम तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां जो है अनुकूल होती जा रही है। जबकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बन चुका है, जबकि एक ट्रफ रेखा है जो इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल की तलहटी में बांग्लादेश तक भी फैली हुई है। जबकि एक अन्य ट्रफ रेखा उप हिमालय पश्चिम बंगाल से आंतरिक ओडिशा तक फैल चुकी है और यह समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। और इसके अलावा दोस्तों, फटाफट से बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई है और कहां पर आंधी तूफान आया। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, गंगे पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के उत्तरी तट पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तथा जम्मू कश्मीर और मराठवाड़ा के भी एक या दो हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई है बीते 24 घंटों के दौरान। जबकि हरियाणा, लक्षद्वीप और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और पूर्वी बिहार में भी एक या दो स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। जबकि उत्तर पश्चिम में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और पूरी उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति देखी गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्ण अनुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा और आप किस क्षेत्र से हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर से कर देवे और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।